सो हे गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ब्रांड न्यू बाइक्स के बारे में जिनका लॉन्च होना कंफर्म हो चुका है और ये सारी बाइक आपको 2023 की मार्केट में लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी। इनमें से कुछ बाइक की टेस्ट राइडिंग चल रही है, कुछ बाइक इंडिया में अराइव हो गई है, तो मैं आपको बताऊंगा इन सभी बाइक्स की लॉन्च डेट क्या होने वाली है, बाइक में आपको कौन कौन से फीचर्स मिलेंगे और लॉन्च होने पर इन सभी बाइक्स का क्या प्राइस रखा जाएगा इंडियन मार्केट में। तो अगर आप भी आने वाले टाइम में किसी न्यू बाइक को परचेज करने का प्लान बना रहे हो तो आप इस वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देख लेना। और इस वीडियो का लाइक मैंने रखा है 150 लाइक्स का, आई नो होपफुली आप जल्दी से करवा दोगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले नंबर पर जो बाइक है ना वो आएगी बोबर सेगमेंट में और फिलहाल में ही इस बाइक को स्पोर्ट करा गया है टेस्ट राइडिंग के टाइम पर। तो ये बाइक आने वाली है रॉयल एनफील्ड की तरफ से, शॉटगन 350। तो जैसा कि आप स्पॉटेड इमेजेस में देख रहे हो, बाइक का जो टायर है वो काफी वाइड है और बाइक का जो हैंडल है, राइडिंग पोजीशन है वो अपराइट है और जो बाइक की सीट हाइट है वो काफी लो है। तो ये बाइक आपको पूरा फील देने वाली है बोबर बाइक का, जिसमें आपको सेम 349cc का इंजन मिलेगा जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 20.4 bhp की और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 27 न्यूटन मीटर का। फीचर्स में आपको इसमें डुअल चैनल ABS मिलेंगे, 5 स्पीड गियरबॉक्स होंगे बाइक में, कंसोल आपको इसमें मिलेगा सेमी डिजिटल जिसमें आपको सारे बेसिक फंक्शन शो हो जाएंगे बाइक से रिलेटेड, और एडवांस फीचर में आपको इसमें नेविगेशन मिलेगा, मोबाइल फोन कनेक्टिविटी रहेगी और बाइक के सस्पेंशन में फ्रंट पार्ट में टेलीस्कोपिक फोक है और रियर पार्ट में डुअल शॉक अब्सॉर्बर है और लाइट्स में बाइक के फ्रंट पार्ट में हैलोजन बल्ब रहेगा। बाकी साइड इंडिकेटर और टेल लाइट में आपको LED लाइट्स मिलेगी और डायमेंशन में बाइक का कर्व वेट होगा 190 से 200 kg का। सीट हाइट आपको इसमें मिलेगी 765mm की जो बिल्कुल फेवर में रहेगी शॉर्ट राइडर के लिए, उनको बाइक को ऑपरेट करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। और आपको इसमें 15 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी और ये बाइक आपको 35 से 40 kmpl का माइलेज देगी सिटी राइडिंग और हाईवे राइडिंग पर। तो चलिए फाइनली बात करते हैं इस बाइक के लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। ये बाइक आपको 2023 के नवंबर से दिसंबर के मंथ में लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी और लॉन्च होने पर इस बाइक का प्राइस रखा जाएगा 180,000 से 190,000 के एक्सशोरूम प्राइस पर। तो अगली एक और बाइक है जिसकी टेस्ट राइडिंग चल रही है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में और ये बाइक आपको आने वाले कुछ ही महीनों में लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी। तो ये बाइक है KTM की तरफ से KTM ड्यूक 390 का न्यू वर्जन। तो फिलहाल KTM ने अभी तक अपनी सारी बाइकों को अपडेट कर दिया है, लेकिन अभी एक दो बाइकें बची है ड्यूक सीरीज की जो अपडेट होना बाकी है, लेकिन उन सभी बाइक की टेस्ट राइडिंग चल रही है इंडियन मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में, जिसमें से ड्यूक 390 को इंडियन मार्केट में स्पॉट करा गया है टेस्ट राइडिंग के टाइम पर। तो आपको बाइक के न्यू मॉडल में सबसे पहला चेंज देखने को मिलेगा बाइक की हेडलाइट में। तो एट द फ्रंट आपको इसमें ट्विन LED लाइट का सेटअप मिलेगा, बाइक में नए DRLs आया जो कि इंस्पायर है सुपर ड्यूक से और बाइक का जो इंडिकेटर है जो काफी ज्यादा फेमस है KTM के इंडिकेटर के नाम से, उसके डिजाइन में भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। बाकी बाइक के लुक में इसका टैंक डिजाइन को चेंज करा जाएगा, बाइक में आपको नए ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे, बाइक में नए बॉडी पैनल्स होंगे और आपको बाइक में साइड आर्म भी नया देखने को मिलेगा। और बाइक के कंफर्ट में बाइक के रियर सस्पेंशन को बेटर करा जाएगा, बाइक में आपको सीट्स नहीं देखने को मिलेगी और 2023 ड्यूक 390 में आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट सिस्टम मिलेगा। बाकी बाइक के फीचर्स में आपको इसमें अपडेटेड TFT डिस्प्ले मिलेगा, बाइक में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS जैसे कई सारे एडवांस फीचर मिलेंगे। बाकी बाइक के इंजन के बारे में बात कर लेते हैं, ड्यूक 390 में आपको 373.2cc का सिंगल सिलेंडर DOS इंजन देखने को मिलेगा जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 42.9 bhp की और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करेगा 37 न्यूटन मीटर का। तो ओवरऑल मैं आपको बता दूं, बाइक के इंजन को थोड़ा सा रीट्यून करा जाएगा जिससे बाइक की पावर आउटपुट में इंक्रीज होगा। हालांकि इसके 50-50 चांसेस है क्योंकि ड्यूक 390 में पहले से ही काफी पावर है और ये बाइक पूरे सेगमेंट में मोस्ट पावरफुल बाइक है। बाकी जो बाइक के डायमेंशन वगैरह है वो सेम रहेंगे, बाइक के कर्व वेट में आपको थोड़ा सा फर्क देखने को मिलेगा, बाइक की जो सीट हाइट है वो सेम रहने वाली है, शॉर्ट राइडर को दिक्कतें आएंगी बाइक को ऑपरेट करने में। बाकी बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करा जाएगा, एग्जैक्ट फिगर अभी तक रिवील नहीं हुई है बट इंक्रीज होगा। तो चलिए दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं 2023 KTM ड्यूक 390 के लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। तो ये बाइक आपको जून से जुलाई के मंथ में लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी 2023 में और लॉन्च होने पर इस बाइक का प्राइस रखा जाएगा 3 लाख से 3,10,000 के एक्सशोरूम प्राइस पर, जो कि आपको ऑन रोड देखने को मिलेगा इंश्योरेंस ऑटो लगाकर 3,50,000 से 3,60,000 के ऑन रोड प्राइस पर। तो अगली जो बाइक है ना वो इंडियन टू व्हीलर मार्केट में अराइव हो गई है, जो है दोस्तों यामाहा की तरफ से यामाहा MT-03। तो बाइक में आपको मिलता है 321cc का ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 42 bhp की 10,750 rpm पर और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 29.6 न्यूटन मीटर का 9,000 rpm पर। तो इस पावर के साथ यामाहा R3 की तरह इस बाइक की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बेटर है सेगमेंट में आने वाली बाइकों से। इंडियन मार्केट में लॉन्च होने के बाद ये बाइक सीधा कॉम्पिटिशन देने वाली है KTM ड्यूक 390 को, बजाज डोमिनर 400 और बाकी सेगमेंट में आने वाली बाइक को। तो लॉन्च होने पर दोस्तों बाइक का प्राइस रखा जाएगा 3,20,000 से 3,40,000 के एक्स शोरूम प्राइस पर। तो इस प्राइस रेंज में आपको बाइक में डिजाइन और पावर काफी अच्छी मिल रही है,
बाकी फीचर्स में बाइक में डुअल चैनल एबीएस है, 6 स्पीड गियरबॉक्स है, एलसीडी कंसोल है बाइक में जिसमें आपको सारे फंक्शन शो हो जाएंगे बाइक से रिलेटेड। और बाइक में दोस्तों 37mm के अपसाइड डाउन फोक है फ्रंट पार्ट में, और बाइक के रियर पार्ट में मोनोशॉक अब्सॉर्बर का यूज किया गया है। और आपको दोस्तों बाइक के सभी पार्ट्स में एलईडी लाइट्स मिलती है यामाहा की तरफ से। और जो बाइक का डायमेंशन है वो काफी अमेजिंग है, क्योंकि इस बाइक का वेट वेट है 168 kg का। बाइक दोस्तों काफी ज्यादा लाइट वेट है, काफी निम्बल होगी सिटी राइडिंग के लिए। और आपको बाइक की सीट हाइट मिलेगी 780mm की, जो कि थोड़ी सी लो होगी बाकी सेगमेंट में आने वाली बाइकों से। और आपको इसमें 14 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी, और ये बाइक आपको 25 से 30 kmpl का माइलेज देगी सिटी राइडिंग में और हाईवे राइडिंग पर। बाकी बात करें बाइक के लॉन्च डेट की, तो ये बाइक आपको 2023 के सेकंड से थर्ड क्वार्टर में कभी भी लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकती है। एक्सपेक्टेड दोस्तों ये बाइक आपको जून से जुलाई के मंथ में लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। और जो बाकी आने वाली बाइक है यामाहा की तरफ से जो इंडियन मार्केट में अराइव हो गई है, वो भी आपको सेम डेट पर लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी। बाकी बात करते हैं अगली बाइक के बारे में, जो कि है कोलैबोरेशन में आने वाली बजाज और ट्रायम्फ की 250cc कैटेगरी में आने वाली बाइक। तो मिस्टर राजीव बजाज ने फाइनली कंफर्म कर दिया 27 जून को बजाज और ट्रायम्फ के कोलैबोरेशन में आने वाली बाइक ऑफिशियली रिवील होगी। और 27 जून को दो बाइकों को रिवील करा जाएगा, और इंडियन मार्केट में ये बाइक डीलरशिप पे आ जाएगी सेकंड क्वार्टर में 2023 के, यानी कि जुलाई के मंथ में। एंड फिलहाल में बजाज ने ट्रायम्फ इंडिया ऑपरेशन को टेक ओवर कर लिया है, मतलब अब से जितनी भी ट्रायम्फ की बाइक होने वाली है उनकी सेल्स को सर्विस को बजाज संभालेगी। तो बाइक की लॉन्च डेट क्या होने वाली है वो मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं बाइक के प्राइस के बारे में, इंजन के बारे में और स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो जो बाइक का प्राइस होगा वो काफी कॉम्पिटेटिव रखा जाएगा बाकी बाइक से। स्टार्टिंग प्राइस आपको देखने को मिलेगा बजाज और ट्रायम्फ की बाइक का 2,25,000 के एक्सशोरूम प्राइस पर। और ये जो बाइक होगी 250cc से 400cc में आपको देखने को मिलेगी, और टोटल 5 बाइक लॉन्च होगी कोलैबोरेशन में। बाकी 3 बाइकों का नाम होगा एडवेंचर, हुरिकेन और स्ट्रीट ट्रैकर। तो इन 5 बाइक में से 2 बाइक रिवील होगी 27 जून को। और इंटरव्यू से ये भी पता चला कि जो 250cc कैटेगरी में बाइक आएगी वो इंडिया के लिए ऑफर करी जाएगी, बाकी 400cc की हायर सेगमेंट में आने वाली बाइक ग्लोबल मार्केट को ऑफर करी जाएगी। तो जो बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी उसमें आपको 248.7cc का इंजन देखने को मिलेगा, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 25 से 27 bhp की 8500 rpm पर, और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 20 से 25 न्यूटन मीटर का 6500 rpm पर। और फीचर्स में बाइक में आपको डुअल ABS मिलेगा, 6 स्पीड गियरबॉक्स होंगे बाइक में, और कंसोल बाइक का होगा राउंड शेप का फुली डिजिटल। और एडवांस फीचर में आपको इसमें मोबाइल फोन कनेक्टिविटी मिलेगी, नेविगेशन रहेगा बाइक में, और बाइक के फ्रंट पार्ट में आपको अपसाइड डाउन फोक्स मिलेंगे, रियर पार्ट में मोनोशॉक अब्सॉर्बर का यूज किया जाएगा। लाइट्स आपको बाइक के सभी पार्ट्स में LED मिलेगी, और बाइक में 140 सेक्शन का टायर होगा रियर पार्ट में, स्पोक व्हील्स और अलॉय व्हील्स दोनों ही ऑप्शन रहेंगे बाइक में। और डायमेंशन में बाइक का कर्व वेट होगा 150 से 180 kg के राउंड। सीट हाइट आपको मिलेगी 800mm की, जो कि बिल्कुल फेयर में रहेगी, शॉर्ट राइडर के लिए उनको बाइक को ऑपरेट करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। और आपको बाइक में फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 12 से 14 लीटर की, और ये बाइक आपको 35 से 40 kmpl का माइलेज देगी सिटी राइडिंग में और हाईवे राइडिंग पर। तो फिलहाल में अगर आप आने वाले 2 से 3 महीनों में प्लान कर रहे हो किसी न्यू बाइक को परचेस करने का, तो आप बजाज और ट्रायम्फ के कोलैबोरेशन में आने वाली बाइक के लॉन्च होने का वेट कर सकते हो, क्योंकि ये जो बाइक आने वाली है ना कोलैबोरेशन में, इस सेगमेंट में आने वाली काफी बाइक की सेल्स को डाउन कर देगी, और ये फिलहाल में वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड बाइक है इंडियन टू व्हीलर मार्केट की। बाकी 2,25,000 के स्टार्टिंग प्राइस पे क्या ये बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट में स्टैंड कर पाएगी या नहीं, या मुझे नीचे कमेंट करके बताना। तो ये थी आज की वीडियो इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होने वाली कंफर्म बाइक्स के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और मुझे नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना कि इन चारों बाइक में से आप कौन सी बाइक के लॉन्च होने का वेट कर रहे हो, और आने वाले टाइम में कौन सी बाइक को परचेस करने वाले हो। बाकी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लो, आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो बस यार दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कल दोबारा से मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में।